नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कितनों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और कितनों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर साल श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते या श्राप देकर चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। पहला उपाय आपको बता देती हूँ कि कौन सा उपाय आपको पितृपक्ष में करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए और श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध क्रम करना चाहिए। इसके बाद आपको गरीब, अपंग और विधवा महिला को दान देना चाहिए और आपको ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। गीता का सातवां अध्याय और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत पितृ स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अगर 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की बात करें तो आपको ये भी बता देती हूँ कि इस दिन गुड़, घी, दान के साथ और घी की धूप अपने पितरों को अवश्य देनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं कि जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और साथ में महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए। इसके साथ ये भी बता देते हैं कि जिन लोगों के घर का वास्तु ठीक ना हो, उन्हें पहले अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहिए और आपके माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगा होना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा ग्रह भी ठीक रहता है। इन दिनों आपको गुरु ग्रह के उपाय हैं वो भी करने चाहिए और गया में जाकर तर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए। तो इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।